में कहावत होती है, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा जो है मेरे घर वालों का। तो अरविंद केजरीवाल जी का तो भगवान ही मालिक है। देखिए, आज जब मोदी जी ने झूठ की बात कही ना, तो बहुत ही गंभीर विषय है कि राजनीति में निर्लज्जता से झूठ बोला जाए और उसके बाद अपने को नैतिकता का प्रतिबिंब बताया जाए, ये तो कमाल की चीज है। मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण देता हूं। आज जैसे एक उदाहरण अमित शाह जी ने दिया, इन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए कि हमारे 49 दिन के शासन में एक भी वैट पे रेड नहीं हुई, हमने तथ्यों के साथ इनको दे दिया, आज तक उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। अब आप सोचिए, एक राजनीतिक संगठन इतना बड़ा झूठ जनता के बीच में बोले, आपको सुधांशु जी देखिए, झूठ का आरोप, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, झूठ का आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया और ये कहा कि मोदी जी ने जो ये बात कही मंच से खड़े होके कि हमारी कोई योजना नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 58 तक लेके आए, जबकि मनोहर लाल खट्टर का ऑर्डर था, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तैयार बैठी है, वो झूठ बोल रही है। तो झूठ के आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप घबरा गए। ऐसा है, हम किससे घबराएंगे और क्यों घबराएंगे, पहले तो इस पे भी चर्चा कर ली जाए। लोकसभा के चुनाव हुए, इनके दावे थे सातों सीटें ये जीतेंगे, देश में तो सरकार बनाई रहते लेकिन लोकसभा दिल्ली के अंदर, विधानसभा चुनाव अगर आप उसका विश्लेषण करें, 60 सीटें जीते हम लोग 70 में से, जिस व्यक्ति ने विधानसभा में 28 सीटें जीती थी वो सिर्फ 10 सीट जीत पाए और उन 28 में भी 24 हार गए, हम 60 जीते, उसके बाद हम तो घबरा रहे हैं। और ये जो है संतुष्ट नहीं, इतनी घबराहट नहीं होती तो चुनाव दिल्ली में पहले हो जाते, के पैसे थोड़ी लगते हैं। अच्छा सुधांशु जी, मैं आम आदमी पार्टी का भी पक्ष बीच में लेके आ जाऊं, आपका जो है इस तरह के, एक सेकंड, मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, टिप्पणी तब करिएगा या तो तथ्यों पे हो या फिर मुझे जवाब देने का हक हो टिप्पणी का। आपने कहा घबराए हुए थे, दिल्ली में चुनाव पहले हो जाते, दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं हुआ, उसका एक पूरी भूमिका है, एक पृष्ठभूमि है। अच्छा ठीक है, तो वो फिर इसलिए इस तरह के टिप्पणी ना करिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। पहली बात तो भीड़ के बारे में कि यहां से लाई गई थी ही नहीं वगैरह वगैरह, तो जितेंद्र जी एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गाली भी, ख्याल अच्छा है, आप अपने मन में ये ख्याल बसाते रहिए कि वहां बाहर की थी और की थी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हमारा अब आता है विकास का, अरविंद केजरीवाल जी का कथन, जनता एक चुनाव हार मोदी जी ने, अच्छा मैं बोल देखे नहीं, जितेंद्र जी जब आप बोलते हैं मैं पीछे नहीं बोलता, जब आप पीछे बोलते हैं मैं नहीं बोलता, लेकिन साफ और स्पष्ट मैं जब बोल सच्चाई बोलिए, नहीं जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं जितेंद्र जी, ये तहजीब नहीं है, ये चर्चा की तहजीब नहीं है, मैं को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, उसके बाद जब आपकी बारी आए आप अपना पक्ष रखिएगा, ताकि सबके सामने हो कि कौन क्या कह रहा है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि ये कहा गया कि 58 साल की उम्र केंद्र सरकार जो है करने वाली है और ये बिल्कुल झूठ है। खट्टर जी अपने प्रदेश में क्या करें, इसके मतलब ये होता है कि केंद्र में हो गया क्या, ये तो मतलब मुझे तो ये बड़ा ही एक विचित्र तर्क लगा कि अगर खट्टर जी ने अपने आप करा तो इसके मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, प्रशासनिक अराजकता जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। एनके सिंह साहब के बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उसका कारण बतलाता हूं क्यों। एक मुख्यमंत्री धरने पे बैठ के ये कहे कि 26 जनवरी की परेड नहीं होने दूंगा, इनको शायद ये अराजकता नहीं लगती होगी और इनको शायद इसमें स्वाभाविक अभिव्यक्ति लगती होगी, लेकिन किस संदर्भ में कहा है, नक्सलवाद और इस तरह की एक मुख्यमंत्री की भाषा उन दोनों में, एक सेकंड भाई मैं पहले खत्म कर लूंगा। देखिए आप अराजकता ना फैलाइए यहाँ पे, एक हर एक को अपनी बात रखने दीजिए, उसमें आप अपनी बात रखिएगा ना। अराजकता क्या होती है कि जो अहम ब्रह्मस्मि, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, बाकी कोई सुनना ही नहीं है, तो कृपा करके एक शालीनता से हम लोग चर्चा करें। अरे इस तरह की अराजकता मुख्यमंत्री बुलाए कि मैं यहां पे 26 जनवरी नहीं होने दूंगा।
वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में जवाब कृपया। मैं ये कह रहा हूँ कि जी संक्षेप में सीधी बात है कि जो आदमी लगातार झूठ बोले और कितना बड़ा झूठ बोले, हमने 50% बिजली के दाम कम कर दिए, मतलब मैं ये हैरान हूं कि एक मुख्यमंत्री होके जहां पे रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं कि भाई तुमने तो 27% कम करे थे, शीला दीक्षित ऑलरेडी कर चुकी थी, मैं सुधांशु से एक बात पूछना चाहता हूं, खत्म कर लूंगा। आपने कहा भाजपा कांग्रेस कहती थी ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट कराया कि नहीं कराया, पहले एक जवाब भाई आप कैसे आदमी हैं, एक जवाब दीजिए कैसे आदमी हैं आप कैसे, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट कराने का निर्णय लिया कि नहीं, मेरी बात तो रखने दीजिए। और कहते हैं आप किस तरह की बात करते हैं जी, आंचल जी, आंचल जी, बिजली के दाम आधे किए गए, 700 लीटर पानी मुफ्त किया गया, सुरक्षा के समान प्रोग्राम किया गया, अच्छा रुकी सरकार में कोई टीका टिप्पणी तो नहीं, आपने खुद ब खुद अपने आप को सर्टिफिकेट भी दे दिया अराजकता है,